हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा हाई बन बना शेयर करने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिसके भी पतले हल्के बाल हैं, बहुत अच्छा बन नहीं बन पाता है, तो आप ये बन ट्राई कर सकते हो। वेडिंग में, पार्टी में, शादियों में भी ट्राई कर सकते हो और अपने बालों को एक स्टाइलिश सा एंड यूनिक सा लुक दे सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। जो सेकंड चैनल है वहाँ पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको सिलाई सीखने में इंटरेस्ट है एंड ड्रेस की न्यू डिजाइनिंग पसंद है, तो प्लीज़ उस चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए उस चैनल को भी। और इंस्टा आईडी PreetyY24 है, वहाँ पे मेरी फ़नी रील्स वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे भी जरूर जाइएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने सारे बालों को लेना है एंड टॉप पे एकदम क्राउन एरिया पे आपको एक पोनीटेल बना लेनी है। तो पोनीटेल आपको अगर क्राउन एरिया पे पोनीटेल नहीं बन पाती है, हाई पोनीटेल बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने सारे बालों को लेना है, देन अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाना है एंड कॉम करना है। इस तरीके से आप इजीली अपना हाई पोनीटेल बना लोगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से अच्छे से बालों को लिया है एंड कॉम करके पोनीटेल बना रही हूँ। आप देखिए इस तरीके से मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, किस तरीके से आपको इजीली अपना हाई पोनीटेल बन जाएगा आपसे भी। तो मैंने यहाँ पे कॉम कर लिया है पूरा, अच्छे से आपको भी कॉम करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ओके, कॉम करके आपको लेना है एक रबर बैंड। इसी तरीके से सिर झुकाए झुकाए ही रबर बैंड को लगाइएगा, नहीं तो अगर आपका पोनीटेल नहीं बन पाता है आपसे, तो आपकी पोनीटेल पीछे की तरफ सरक जाएगी। तो ये देखिए कितना इजीली हमारा हाई पोनीटेल यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके बाल पतले हल्के हैं तो आपको लेना है एक डोनेट बन, और डोनेट बन को अच्छे से इस तरीके से पोनीटेल के अंदर इंसर्ट कर देना है। ओके, और आपका हेयर बहुत फ्लैट लुक है, फ्रंट से आपका फेस जो है वो चौड़ा है एंड राउंड है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा खींच लीजिएगा। आपका फोरहेड बहुत छोटा है तो आप पफ का लुक दीजिएगा। अगर आपका जो फोरहेड है वो बहुत ब्रॉड है तो आप साइड फ्लिक्स रखिएगा इस हेयर स्टाइल के साथ। अब आपको क्या करना है, बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद से वन पार्ट्स को लेना है, देन चोटी बना देनी है एक सिंपल सी। बहुत ही इजीली आपका पार्टी बन यहाँ पे बन के रेडी होने वाला है, वो भी पतले हल्के एंड ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम लेंथ के हेयर आप बना सकते हो। तो इस तरीके से पूरा एंड तक आपको चोटी को गूंथ लेना है और बालों को एकदम पतला पतला सा लेयर लेके इस तरीके से खींचना है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से एकदम पतला पतला सा खींचना है, क्योंकि हमको यहाँ पे मैसी बन बनाना है एंड बिग बन बनाना है पतले हल्के बालों में। थोड़ा सा हेयर पकड़ना है, खींचते जाना है, इससे जो आपका चोटी है उसको एक वॉल्यूम मिलेगी एंड आपको मैसी बन बनाने में हेल्प मिलेगी। दोनों साइड से इस तरीके से खींचना है। अब आपको इसको सिंपली डोनेट बन के चारों तरफ लपेट देना है एंड यू पिन से सिक्योर कर लेना है। यू पिन को कैसे लगाना है वो देख लीजिए, इसको हेयर को खींचेंगे देन यू पिन इंसर्ट कर देंगे। इधर से हेयर को उठाएंगे, ये देखिए इस तरीके से उठाएंगे एंड यू पिन लगा देंगे। अब आपका जो ये हेयर बचा हुआ है इसको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और चोटी बना देंगे। तो जिसके बाल भी बहुत कम हैं, पतले हल्के हैं, और वो इस तरीके से अपना मैसी बन बड़ा बन बना नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा
हो सकता है आपको इस वीडियो को की ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके जान पहचान में होगी तो आप उनको शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा गाइस। तो एंड तक इसको भी पूरा गूँथ लेना है, चोटी को गूँथने के बाद से जैसे हमने पहले पहले खींचा था हेयर को उसी तरीके से पूरा खींचना है दोनों साइड से। और यहाँ पे जो मैंने यू पिन लगाया था वो मेरे स्कैल्प पे जा रही है, तो उसको थोड़ा सा लूज करके अगेन लगा दूँगी। अब आपको अगेन इस तरीके से लेके जाना है और डोनेट बन के चारों तरफ हेयर को लपेटते हुए यू पिन से अच्छे से सिक्योर करना है। बैक साइड में भी अच्छे से हेयर को पकड़ पकड़ के आपको अपने डोनेट बन को हाइड करना है और यू पिन से सिक्योर करना है। तो यहाँ पे हमारा डोनेट बन अच्छे से हाइड हो चुका है। और फ्रंट का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा सा स्टाइलिश सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जहाँ पे भी आपको अनमैनेज लगे आपके हेयर वहाँ पे आप सिंपली एक यू पिन लीजिए और अपने बालों में इस तरीके से इंसर्ट करके लगा दीजिए। और आप अपने छोटे बालों को इस तरीके से हैवी लुक दे सकते हो। छोटे पतले हल्के बालों में इस तरीके से बड़ा सा बन बना के रेडी कर सकते हो। अब जो आपका साइड का हेयर जो मैं अपने हर वीडियो में मेरे ये हेयर मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जब तक ये बढ़ नहीं जाएंगे तब तक मुझे इसे जब भी हेयर स्टाइल करती हूँ तो सेटिंग स्प्रे से सेट करना होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो गाइस। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बेबी हेयर्स हैं तो आप इस तरीके से सेटिंग स्प्रे को डायरेक्ट हेयर पे अप्लाई करके और अपने ज़िद्दी बेबी हेयर्स को सेट कर सकते हो और अपने बालों को एक एलिगेंट सा लुक दे सकते हो। तो ये है मेरे बन का फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की हेल्पफुल इजी वीडियोज़ हेयर स्टाइल की वीडियोज़ देखने के लिए। आप इसको पार्टी फंक्शन में या फिर कहीं जा रहे हो सिंपली तो भी ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।